हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल टीम क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का जो कहानी है क्लास ट्वेल्थ में जो हिंदी में जो कहानी आता है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो इस बार 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछेगा वो कौन कौन सा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने चार कहानियाँ लिखी हैं। और फ्रेंड्स, पहले दो और कहानियाँ थी, लाठी और एक था खून का रिश्ता, ठीक है, तो उसे हटा दिया गया है और इस बार 2021 के बोर्ड एग्जाम में केवल इन्हीं चार कहानियों को पूछेगा, ठीक है। देखिए, फर्स्ट नंबर है पंचलाइट, सेकंड नंबर है बहादुर, थर्ड नंबर है कर्मनाशा की हार और फोर्थ नंबर है ध्रुव यात्रा, ठीक है। तो क्लास ट्वेल्थ हिंदी के जो कहानी है उसमें यही चार कहानियां एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स के पूछते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कहानी पर। तो देखिए, यहाँ पर मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ, ठीक है, 2020 का है ये, देखिए क्लास ट्वेल्थ का है। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। यहाँ पर आपको दो कहानी दिया हुआ है, पूछा है कहानी का सारांश, ठीक है, इन दोनों कहानी का सारांश पूछा है, या तो आप इसका बताइए या तो इसका बताइए, ठीक है। अगर आपको इसमें से किसी का नहीं बताना है तो अथवा करके आपको नीचे भी दिया है। इसमें से आप या तो ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ठीक है। दिया है क्वेश्चन, शब्द सीमा 80 शब्द, यानी 80 शब्दों में आपको बताना है। और क्या बताना है, तो ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य, ठीक है, इस कहानी का उद्देश्य क्या है, इन दोनों कहानी का, उस पर प्रकाश डालना है, उसके बारे में बताना है। या तो आप ध्रुव यात्रा बताइए या तो लाठी बताइए, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, आपको दो क्वेश्चन ऐसे अथवा करके दिया होगा, या तो आप इसी में से कोई एक बताइए या तो आप इसमें से कोई एक बताइए, ठीक है। इसमें आपको कहानी का सारांश बताना होगा और इसमें आपको कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना होगा, यानी कहानी का उद्देश्य क्या है, उससे उद्देश्य शिक्षा क्या प्राप्त होती है वो बताना होगा, ठीक है, या इस कहानी का उद्देश्य क्या है ये बताना होगा। और केवल कितने शब्दों में, तो केवल 80 शब्दों में। तो दोस्तों, 5 मार्क्स के टोटल पूछे जाते हैं ये कहानी, ठीक है। तो 5 मार्क्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो मैंने सोचा कि इसलिए मैं इस पर आपको एक वीडियो बनाकर बता दूं कि आपको कौन कौन सा इस बार 2021 के बोर्ड एग्जाम में कहानी पूछेगा, क्लास ट्वेल्थ के लिए कौन कौन से कहानी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने एक वीडियो इस पर बना दिया। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कहानी पर। तो वो सारे जो ये चारों कहानियां हैं इस पर, इसका मैं कहानी का सारांश और कहानी का उद्देश्य आपको बता दूंगी, ठीक है। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है, सारांश क्या है ये भी बता दूंगी, बहादुर का, कर्मनाशा की हार और ध्रुव यात्रा, चारों ही कहानी का सारांश और उद्देश्य मैं बता दूंगी। तो एक एक वीडियो आप देख लीजिएगा लाइन से ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और तब तक के लिए, ठीक है, आप पढ़ते रहिए, क्लास ट्वेल्थ की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। और जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो हैं मैंने बना दिए हैं हिंदी के, आपने अभी तक नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। केमिस्ट्री की भी तैयारी करवाई जा रही है, इंग्लिश, हिंदी और फिजिक्स की भी तैयारी करवाई जा रही है और मैथ की। तो अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर देखिए और अपने क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।